यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतक पहुंचे कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने सरकार और इनेलो बसपा गठबंधन पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी पर तीखे हमले उन्होंने किए। कुलदीप ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है और बीजेपी सरकार से सभी दुखी हैं। बिश्नोई ने यह भी कहा कि आज मंत्रियों और विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं। और वहीं इनेलो बसपा गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि इनेलो बसपा का गठबंधन बेमेल और मजबूरी का गठबंधन है। बिश्नोई ने यह तक कहा कि यह गठबंधन पहले भी कामयाब नहीं हुआ था और आगे भी कामयाब नहीं होने वाला है। साथ ही राहुल गांधी की दिल्ली रैली के बारे में बोलते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सभी को रैली में 50,000 कार्यकर्ता लेकर जाने का आदेश मिला है और रैली की तैयारी पूरे जोरों से चल रही है।